रामानूप शहर विधानसभा में प्रियंका गांधी जी के स्वागत में हम चौधरी सोपाल सिंह के साथ है, उनके साथ आए जी। ये ढोल से, इतने बड़े ढोल से आप क्या बजा रहे हो? अपना उनकी खुशी जाहिर कर रहे, हमारे मन में उनके लिए इतनी बड़ी ढोल की इच्छा। जी बोलिए। सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। चलो टोटे में रही, नफा में रही, कुछ भी, अब आ गई बीजेपी। बीजेपी ने आके वो कहते हैं कांग्रेस ने देश घाटे में घेर दिया। अब बीजेपी ने 10 साल जो हम खत्म है हमारा, हमारे जो डाई कहाँ मिल रही है, खेत नहीं भी। अब सोपाल सिंह हमारे मौसा हैं, वो यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं बुलंदशहर के। यहाँ आ रही है प्रियंका गांधी, हम उनका उद्घाटन करेंगे बम से, और बोट से भी, बम से ही नहीं, बम जाओ खाली अभी फोड़ दे बम, हम उद्घाटन करेंगे बोट से भी, हम बोट भी, सपोर्ट भी, पैसे भी, सोपाल सिंह के साथ, प्रियंका के गेल भी साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या गीत गा रहे हैं आप लोग? गाना क्या गा रहे हैं? ये बम बजाने का एक ट्रिक होता है, बम बजाने की एक होली होती है, बम बजाने के लिए वो गाई जाती है। सर मैं और ये प्रियंका गांधी जी की आने की खुशी में लोग ढोल बजा रहे हैं। इस ढोल को बम ढोल कहते हैं, बड़ा लंगड़ा भी कहते हैं, और इन लोगों का कहना ये है कि हम लोग अपनी नेता प्रियंका गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान लगे हुए हैं और पूरे तरीके से 14 जिलों की कार्यकर्ता आए हुए हैं कांग्रेस के। जैसा कि अंदर का जो नज़ारा है, वहाँ पर 14 सेक्शन बनाए गए हैं जिनमें 14 जिलों के अलग अलग लोग आ रहे हैं, कार्यकारिणी के लोग आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ये डिग्री कॉलेज है यहाँ का, और उसके सामने काफ़ी भीड़ भाड़ है, पीछे तक लोग पैदल भी आने पर विश्वास कर रहे हैं। हम इन ढोल बजाने वालों से बात करेंगे। ये ढोल बजाने वाले नहीं बल्कि समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। चलिए आप ये देख सकते हैं लोग अपने नेता के आने की खुशी में। विरोधों में भी काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, आखिर ये जोश क्यों ना हो, अपने नेता के आने की खुशी है ये। और अपने नेता प्रियंका जी से, आयरन लेडी कही जाने वाली प्रियंका जी, अपने उनका स्वागत हम बजा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बजा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ बजा रहे हैं, इसका मतलब किसान आप नाराज लग रहे हैं? नाराज। डीजल कहाँ पहुँचा दे जी, तो डीजल बीजेपी की सरकार सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है, और आप नाराज क्यों हैं? किसान तो गड्ढे में, किसान मजबूर था। अरे यार, आप बीजेपी तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है, और आप नाराज हैं? अजी सब नाराज हैं यहाँ से, तो क्यों न्यू नाराज है? किसान और मजदूर तो गड्ढे में गए, तो इस बात कोई बूझ ही ना रहे हो। धान का अच्छा खासा रेट मिला, धान का कुछ रेट वेट कुछ नहीं मिला। अब जो गर गए वो तो गर ही गए, किसान तो गए, डाई भी न मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, सब चीज़ महंगी, जो काश्तकार की चीज़ है वो सब महंगी, बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और मतलब डीजल और पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, अभी अभी न हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ है जी? अरे बीजेपी के खिलाफ क्यों? उन्होंने तो पेट्रोल सस्ता कर दिया, डीजल सस्ता कर दिया। अरे सस्ता कौन कर दिया, गड्ढे में चलो किसान, सब धोने मारो गए हैं, और बिल बढ़ा दियो तो किसान की तो ऐसी कर दीजिए इनने। नहीं तो किसान को काफी खुश लग रहा है, धान पे रेट बढ़ा दिए। अजी कौन रेट बढ़ा दिए? धान तो बहुत मंदा जा रहा हो। प्रियंका गांधी जी इनके हित में आए, मतलब इनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट तो ढोल क्यों बजा रहे हैं, इतना बड़ा ढोल क्यों लाए? खुशी में लाए, उनके स्वागत में। स्वागत में कहाँ के हो आप लोग? हैं जोट मकरपुर में सोना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल। और चाचा तुम्हारा क्या नाम है? जंगमाल सिंह। जंगमाल ना तो अच्छे था, और मजदूर हो तो गड्ढे में गए कतई। दोबारा बोलो, सुन नहीं पाया।
मतलब गड्ढे में चले गए किसान। तो उससे पहले क्या कर रहे थे आप? बीजेपी चली जाए, बीजेपी चली जाए, नहीं कह रहा हूँ। कहाँ चली जाए? अपने घर को। ये तो पत्ता ही कट जावा को जड़ तू। बुलंदशहर के अनूप शहर में, और आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के वॉलंटियर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको एंट्रेंस के लिए पहले यहाँ पर पर्ची बनवानी होगी, उसके बाद अंदर जा पाएंगे। मैं हूँ बुलंदशहर के अनूप शहर में, और ये कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम होना है जिसमें राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस प्रियंका गांधी जी को आना है, और यहाँ पर सभी जनपदों के अलग अलग जनपदों के लोग आए हुए हैं और अपने एंट्री पास बनवाने के लिए कतारबद्ध हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम लगा हुआ है, चाहे वो अपने जनपद के या देख सकते हैं पूरे तरीके से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अलीगढ़ अंदर पहुँचे और अपना स्थान बैठने का मुकर्रर कर लें। यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने लोग। ये लगता है मुझे काफ़ी लोग अलीगढ़ और हाथरस के पूरे तरीके से चौक चौवन व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ से। क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। अच्छा, यहाँ पर क्यों आना हुआ? काफी भीड़ भाड़ है यहाँ। हाँ, ये हम मिलने आए हैं प्रियंका जी से। अच्छा, क्या कोई समस्या भी रखेंगे आप? समस्या ये है कि हमें कांग्रेस पार्टी को लाना है, हमारा मेन मकसद कांग्रेस पार्टी को लाना है बस। अच्छा जी। नहीं तो बीजेपी तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है। नहीं नहीं, वो करती है, कोई विकास नहीं हो पाता है, हमें बस कांग्रेस पार्टी को लाना है, हमारा मेन मकसद कांग्रेस पार्टी को लाना है, जिताना है। ऐसी क्या खास बात है कांग्रेस? कांग्रेस में ये खास बात है, जो वादा वो करती है वो अपना पूरा वादा। बीजेपी ने भी पूरे वायदे किए? ऐसे उनके पूरे वायदे नहीं है, उन्होंने महंगाई को महंगाई के कारण उन्होंने जो है ना जीना हराम कर दिया है, महिलाओं का जीना हराम कर दिया है। जहाँ इतना महंगाई हो गई है, पहले जो तेल 200 रुपए किलो पर पहुँचा दिया, सिलेंडर 1000 रुपए पर पहुँचा दिया, कैसे महिलाएं अपना खर्चा चलाएं? देश की सुरक्षा की बात है, महंगाई होने दो। सुरक्षा की बात है तो फिर अब भूखे थोड़ी नहीं मरेंगे फिर, मतलब जो है सुरक्षा की बात, देश की सुरक्षा भी तो दिखनी चाहिए। कहाँ सुरक्षा हो रही है? देश की सुरक्षा भी तो देखनी चाहिए। चीन हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है, हर चीज़ की परेशानी हो रही है, गरीबों की रेल बंद कर रखी है, अलीगढ़ से EMU दिल्ली के लिए नहीं चलती, सबको स्पेशल बना दिया है, 30 रुपए की टिकट 100-100 की 60-60 की कर दी है, ये जनता के संग लूट कर जा रही है, लूट खरोस। जो वायदा किया था मोदी जी ने कि मैं तो बाबा हूँ, झोला लेके आए, झोला लेके चले आऊँगा, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है वो जनता को झोला दे के जाएंगे, झोला लेके नहीं जाएंगे। अडानी अंबानी को उद्योगपति बनाए जा रहे हैं, आयुष्मा जनता को मूर्ख बनाए जा रहे हैं, जो कि हवाई जहाज का पेट्रोल सस्ता होना चाहिए वो पेट्रोल सस्ता कर रखा और जनता का पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, मतलब हर सुविधा VIP को दी जा रही है। आयुष्मा ये तो आने वाले इलेक्शन में 2022 में जनता इनको सबक सिखाएगी, जैसे अभी उपचुनावों में सबक सिखाया और 12 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया, ये तो आगे जाके पता लग जाएगा इन्हें कि इन्होंने जनता के संग क्या किया और किसानों के संग क्या किया, जिसका इन्हें ये भरपाई करनी पड़ रही है मोदी और योगी जी को। भाई साहब कैसे आना हुआ, क्या कहना चाहते हैं? मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ अलीगढ़ से, मोहम्मद जियाउद्दीन। आज हमारी प्रियंका जी ने आज से संगठन के लोगों को बुलाया है ताकि संगठन के उनको दिखा सके कि ये पब्लिक जो है, ये लोग कहते हैं संगठन कमज़ोर है, आज संगठन हमारा कहाँ पर है? ये जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, ये सब संगठन के लोग हैं।
कोई जनरल कोई क्या कहते हैं शहर कांग्रेस कमेटी से, कोई जिला कांग्रेस कमेटी से, जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, आज सिर्फ उन्हीं को ही बुला के उन्हीं का संगठन के लिए किया गया है। हम लोग सिर्फ क्या आप अपनी कुछ बातें रखेंगे उनके सामने? नहीं, प्रियंका जी को आज हम लोग सुनने आए हुए हैं कि ताकि वो हम लोगों को क्या गाइडलाइन देंगे 2022 के इलेक्शन के लिए, उसी के उस पर हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग प्रियंका जी के लिए उनके कंधे से कंधा मिला के 2022 को जो उनका मिशन है 3000 सीटों लेने का, 300 सीटों लेने का, वो 300 सीटें इंशाल्लाह पूरी ले होंगी। नाम राहत चौधरी है, मैं हापुड़ जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ, और ऐसा आज तक नहीं देखा गया है कि कोई भी राष्ट्रीय नेता अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर इसलिए प्रोग्राम करे कि वो उनके क्षेत्रों की समस्याओं को जान सके। प्रियंका गांधी जी ने ये जो अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी बुलाए हैं उसका मकसद ये है कि जो जो जन की समस्याएं हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, सभी कार्यकर्ता आकर उन समस्याओं को रखें, वो चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो। क्योंकि देखा जा रहा है जो सरकार है वो जुमलेबाजी सरकार है, झूठी सरकार है, जो महंगाई के नाम पर आई, और आज देश के अंदर हर एक चीज़ महंगी है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो खाने का सरसों का तेल हो, चाहे दालें हो, चाहे सब्जी हो, किसान परेशान है, किसानों को एक साल होने वाला है, काफ़ी महंगाई है। तो क्या करेंगे आप महंगाई को कम करने के? हम लोग महंगाई को कम करेंगे, जो इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है उस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर कर जो ये टैक्स ज़्यादा वसूल रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको टैक्स कम करेंगे, राज्य में सरकार आएगी तो हम वैट कम करेंगे, जिससे आम जन को ये सुविधा मिल सके।